हाय मदती एंड मेरे साथ डॉक्टर दीपक मोना फिर से जुड़े हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर मोना, आप हमारे साथ रेगुलरली वीडियोस के लिए अवेलेबल होते हैं और हमें बहुत सारे स्किन एंड हेयर इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. डॉक्टर दीपक मोना, डॉक्टर मोहनास स्किन हेयर एंड लेजर सेंटर ओन करते हैं और पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में उन्होंने बहुत लोगों को स्किन एंड हेयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हैं. डॉक्टर मोहना, आज मैंने आपको बहुत स्पेशल रीजन से इनवाइट किया है. सबसे बड़ी चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ, हर घर में एक या एक से ज्यादा मेंबर्स को कोविड प्रोटेक्शन के चलते जो हम बार बार हाथों को धोना, मेडिसिनल सोप से धोना, बार बार सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करना, तो हर किसी घर में देखा जा रहा है कि लोगों की स्किन पील हो रही है. वो भले विमेन हो, एल्डर्स हो, और बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है क्योंकि शायद बच्चों की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पील हो रही है. और पील होने के भी स्टेजेस हैं. कुछ लोगों को माइनर पीलिंग फील हो रही है, कुछ लोगों को इस हद तक पील हो गई है कि वो ऑलमोस्ट फ्लैश जैसा दिखना, जलन होना, पेन होना, तकलीफ होना. बट एट द सेम टाइम हाथों को डिसइनफेक्ट नहीं करना भी ऑप्शन नहीं है लुकिंग एट द सर्कमस्टेंस कि कोविड है तो प्रिकॉशन की जरूरी है. तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये पीलिंग क्यों हो रही है या क्या ये कोई मेडिकल कंडीशन है, कैसे कुछ कहते हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग? Nice to interact with you again, Aditi. And अभी कोरोना पैंडेमिक के कारण सभी लोग बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं, बार बार हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं. तो ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो हाथ धोना है और सैनिटाइज करना है. जी लेकिन कितना धोना है और कब धोना है, किसको नहीं धोना है या कम धोना है, इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि डैमेज होता क्यों है. जी जब भी हम एक्सेसिव हैंड वॉश करते हैं, जो अभी नीड ऑफ द आर है, या एक्सेसिव बार बार सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, तो एक्सेसिव हैंड वॉश से क्या होता है, हमारी जो स्किन है इस पे स्किन लेयर्स जो होती हैं, जो बैरियर की तरह काम करती हैं, वो बार बार वॉशिंग से डैमेज हो जाती है. और जब वो डैमेज हो जाती है तो बाहर की जो चीजें हैं वो बॉडी एलर्जेंस की तरह उसको पकड़ने लगती है और उनको रिएक्ट करती है. जब वो रिएक्ट करती है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन पील ऑफ होती है, और कभी कभी रेड स्पॉट्स और बहुत ज्यादा पीलिंग होना, इचिंग होना, इससे ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी, तो पानी निकलना, वीपिंग ऑफ होना, ये सारी चीजें होती है. और इसी के कंटेक्स्ट में हम सैनिटाइजर्स का यूज देखें तो सैनिटाइजर्स में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं और सभी लोग, बहुत लोग अलग अलग चीजों के लिए एलर्जिक होते हैं. तो जो एलर्जिक नहीं है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो एलर्जिक है, जिनकी एलर्जिक टेंडेंसी है, स्किन सेंसिटिव है पहले से ही, तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्किन को इरिटेट करते हैं, स्किन इन्फ्लेम होती है, और फिर वैसे ही जैसा मैंने अभी बताया कि स्किन पील ऑफ होती है और फिर रेडनेस आती है, ऊजिंग भी स्टार्ट हो जाती है. जी तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? अगर अगर किसी की सेंसिटिव है स्किन बहुत ज्यादा और क्लियरली वो ये चीज नोटिस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग हमें तकलीफ दे रहा है, तो क्या इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या व्हाट इज अ वे कि मैंने अपने आप को डिसइनफेक्ट भी कर लिया, एट द सेम टाइम मैंने अपने स्किन को हर्ट भी नहीं किया? ऐसे ऐसे किस तरह के प्रोडक्ट्स हम यूज करें? इसमें एक पहले जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड वॉशिंग. हाथ तो धोना है लेकिन किसको धोना है और कितनी बार धोना है, ये बहुत फर्क है. जैसे कि बहुत लोग जो जॉब में हैं, आउटडोर वर्क्स करते हैं, और फिर उनको कितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, और कितने बच्चे हैं जो सिर्फ घर पे ही हैं, और ओल्ड एज के जो लोग 60 65 प्लस है वो सिर्फ घर पे ही हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन डर के कारण कम से कम दिन में 50 बार हाथ धो रहे हैं. ठीक है, तो वो डरना नहीं है. अगर आप सिर्फ घर पे ही हो और बाहर नहीं जा रहे हो तो आप अपना हैंड वॉश को मिनिमाइज कर दीजिए, कम कर दीजिए. जो लोग बाहर ज्यादा वर्क करते हैं या बहुत चीजों को छूते हैं बाहर, तो उनको ही बार बार इतना फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है, घर पे जो रह रहे हैं उनको कम वॉश करना है. ठीक है, दूसरा, हम इन चीजों से, डैमेज से बचे कैसे, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है मॉइस्चराइजेशन. आप जितना अच्छा हैंड्स को मॉइस्चराइज रखेंगे, वो जो स्किन बैरियर डैमेज हो रहा है सैनिटाइजर से और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग से, वो डैमेज नहीं होगा. और इसका सबसे आसान तरीका है पेट्रोलियम जेली, जो वैसलीन होती है,
इस तरह के जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ये सबसे सिंपल होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेडिकेटेड नहीं होते, पेट्रोलियम जेली वैसलीन होते हैं या लिक्विड पैराफिन लोशन जो ज्यादा एरिया में यूज किया जा सकता है। ये बहुत इजीली होम यूज के लिए अवेलेबल होते हैं, बाजार से लेके आए वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वो लिबरली लगाइए, दिन में 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार भी लगा सकते हैं, आफ्टर एवरी हैंड वॉश लगाइए। तो इससे क्या होगा, स्किन के लेयर्स जो है वो बरकरार रहेंगे और डैमेज नहीं होगा, तो एक्सिमास भी नहीं होगा। और क्या इस तरह की कंडीशन में ऐसा कोई थ्रेशहोल्ड होता है कि ये सब करने के हम डॉक्टर से कब मिलें? क्या हमें इस सिचुएशन में डॉक्टर से मिलने की जरूरत है? क्या हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है? जो भी सजेशंस आपने दिए कि अगर हमने अपनी फ्रीक्वेंसी, अगर हम घर में ज्यादा रहते हैं और हमने अपनी हाथ धोने की फ्रीक्वेंसी को कम भी किया और उसे मॉइस्चराइज भी किया और उसके बाद भी इफ वी आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्या इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है या ये सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल से घर पे मैनेज होने वाली कंडीशन ही है? सबसे पहले तो इसमें यही सारी चीजें करनी है कि फ्रीक्वेंसी कम करना है और मॉइस्चराइज अच्छे से करना है। लेकिन अगर उसके बाद भी सिम्टम्स बने रहे, सिम्टम्स क्या है, एक्सेसिव पीलिंग ऑफ स्किन, रेडनेस होना स्किन पर या ओजिंग होना, पानी निकलना, कभी कभी पस भी पड़ जाना, कभी कभी ये नेल फोल्ड्स में भी पीछे पस पड़ जाता है एक्सेसिव हैंड वॉशिंग के कारण, तो अगर ये सारे सिम्टम्स आते जा रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और इनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स ही होते हैं। तो अगर हम, और जो क्रीम्स भी हैं वो, ये जो वैसलीन जेली है इससे एडवांस काफी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आती हैं जिनका के बैरियर फंक्शन रिस्टोर करने का पोटेंसी बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो होम यूज के लिए तो वही अच्छा है, बाकी फिर नहीं तो मेडिकल गाइडेंस में वो सारी चीजें होंगी। तो बेसिकली सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम डिसाइड करेगा कि आपको वो चीज अगर घर पे कंट्रोल हो पा रही है, और अगर वो सिर्फ पीलिंग ना रहते हुए अगर वो किसी तरह की मेजर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि आपने कहा पेन, ओजिंग, पस पड़ जाना, and then that is the right time कि एक कंसल्टेंट को विजिट करना चाहिए। जो भी आपने प्रिकॉशंस बताए कि किड्स के लिए भी वो सारी चीजें सेम है, कि अगर बच्चे घर में हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी को हाथ धुलवाने की कम कर देना या फिर उनको भी फ्रीक्वेंटली वैसलीन लगाना, एंड किड्स का एक और चीज होता है कि वो हर चीज मुंह में ले लेना, टॉयज के साथ खेलना, दे आर नॉट वेरी केयरफुल ऑब्वियसली विथ हाइजीन बिकॉज दे आर किड्स। सो ऐसी परिस्थिति में क्या किड्स के लिए कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेना चाहिए? किड्स के लिए भी प्रिकॉशंस सेम ही हैं जो बड़ों के लिए हैं, बट ये होता है कि जो स्किन होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है और कुछ बच्चे पहले से ही इन एलर्जीज के लिए प्रोन होते हैं, ज्यादा स्किन एलर्जीज की जिनकी टेंडेंसी होती है। तो जब पहले ही जब इतना हैंड वॉश नहीं था और ये सब नहीं था तभी हैंड एक्जिमास हो रहे थे, तो फिर अब तो इतना ज्यादा कोरोना के कारण हो रहा है। तो प्रिकॉशंस सारे वही हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा माइंडफुलनेस एक थॉट देके करेंगे हम तो वो ज्यादा अच्छे से हो जाते हैं। कब हैंड वॉश करना है, कितना हैंड वॉश करना है और लिबरली मॉइस्चराइज करते जाना है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि क्या हर तरह की स्किन पीलिंग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाती है या कुछ केसेस में वो सिर्फ एक एलर्जिक रिएक्शन होता है पर हर केस में शायद डर्मेटाइटिस नहीं होता? इसमें जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पहले मैं टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, कोई भी चीज जिससे एलर्जी हो किसी की स्किन को तो वो स्पर्श में जब आएगी और बॉडी उसको रिएक्ट करेगी तो ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाती है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक तरह का एक्जिमा होता है, हैंड एक्जिमा, लेकिन ये बाहर की चीजों से भी हो सकता है और इंटरनली भी बहुत सारे लोगों का उसके लिए एक प्रिडिलेक्शन होता है। तो बाहर की चीजें जो होती हैं उसमें रबर्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, इस तरह की चीजें होती हैं मेनली जो हैंड के कॉन्टैक्ट में आती हैं, फिर इस तरह से हैंड एक्जिमास या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप होने लगती है। इंटरनल प्रिडिलेक्शन जो जिसको हम बोले कि एक एटोपिक डर्मेटाइटिस करके कंडीशन होती है जो बच्चों में भी काफी कॉमन होती है, या फिर एक्सेसिव फीवर के कारण बाद में भी स्किन पील ऑफ होती है। तो स्किन पील ऑफ या एक्सेस जब ज्यादा फीवर आ जाए या फिर कोई और स्किन कंडीशन है उनके कारण भी हैंड की स्किन पील ऑफ हो सकती है। लेकिन आज के समय में तो सबसे कॉमन जो रीजन है वो कोरोना और पैंडेमिक ही है। जी
वैसे तो इट्स वेरी क्लियर कि शायद सबके लिए डिपेंडिंग अपॉन उनका नेचर ऑफ एक्सपोजर कितना है, कौन कितना बाहर जा रहा है, कौन कितना घर पे, उस पर शायद फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड वॉश डिपेंड करेगी. पर क्या जस्ट लोगों को हेल्प करने के लिए क्या कोई फ्रीक्वेंसी का फिगर हम दे सकते हैं कि अगर हम घर में हैं तो शायद हम हर 2 या 3 घंटे या 4 घंटे में धोलें, या अगर हमने सर्फेसेस को टच किया है तो धोलें, अदरवाइज जरूरत नहीं है, उसका क्या हम कोई कोई फ्रीक्वेंसी या नंबर दे सकते हैं जस्ट टू हेल्प पीपल? मेरे ख्याल से नंबर देना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज सबका जो कॉन्टैक्ट होता है वो सबका अलग अलग होता है. लेकिन इसमें जो चीज काम करती है वो होती है माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस मतलब आप उसको थॉट दे कि हाँ अभी आपने क्या किया, अभी आप घर में बाहर जाके आए या नीचे जाके आए या सिर्फ जस्ट आउटडोर जिसको हम बोलते हैं जस्ट हमारे घर के दरवाजे के बाहर ही होके आए, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी और ने भी चीजें छुई हो. तो फोमाइट स्प्रेड जैसा कोरोना जो फैलता है फोमाइट स्प्रेड से फैलता है, तो वो थॉटफुलनेस ही हमको रखना है. अगर हम घर के अंदर ही हैं और कोई ऐसा ऐसा घर के अंदर बाहर के लोग नहीं आते हैं तो फिर उस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हैं. फिर भी अगर नंबर की बात करें तो जो लोग घर में ही हैं उनको लेस देन 5 to 10 times वॉश करने चाहिए और जो लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज है उनको 15 to 20 times हैंड वॉश अभी के समय में करना चाहिए. और अभी नॉर्मल में यूज जी जी अभी की परिस्थिति देखते हुए काफी सारे लोग ग्लव्स का यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि शायद ग्लव से प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा है स्किन को भी और डिसइंफेक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा भी मान रहे हैं कि ग्लव से शायद नुकसान ज्यादा है बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. ग्लव्स के बारे में आप एक अगर समराइज पॉइंट मुझे बता पाए. ग्लव्स का भी वही कंसेप्ट होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का. जिस मटेरियल से ग्लव्स बनते हैं अगर आप उसके लिए एलर्जिक नहीं है तो फिर ग्लव्स पहनने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप उसी चीज से ही एलर्जी है जो लेटेक्स से ग्लव्स बनते हैं, तो जैसे डॉक्टर्स में भी बहुत लोग एलर्जिक होते हैं और ग्लव्स पहनते हैं उनको हाथ पे पूरे रैशेज हो जाते हैं और दाने निकल आते हैं. तो अगर आप उस कंपाउंड के लिए एलर्जिक नहीं है तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं. और अच्छी बात यह है कि जिनको बहुत फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की नीड पड़ रही है और हैंड एक्जिमास बन रहे हैं उनके लिए तो बेटर है कि वो ग्लव्स ही पहन लें लंबे समय के लिए, 4-4 घंटे या 6 घंटे के लिए, तो हैंड वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. जी. लेकिन जो हाउस में अभी बहुत सारी फीमेल्स को हाउस का वर्क थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ रहा है अभी के सर्कमस्टेंसेस में, तो उसके लिए डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क्स के लिए डोमेस्टिक ग्लव्स अलग आते हैं जो थोड़ा सा ऊपर तक के लिए रहते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं. तो उससे भी हैंड की स्किन को बचाया जा सकता है. बस यूज करते वक्त पानी या डिटर्जेंट्स इस तरह के ये अंदर नहीं जाना चाहिए ग्लव्स में. ड्राई होना चाहिए अंदर से बेसिकली. ड्राई होना चाहिए वो यूज करते वक्त कभी कभी अंदर चला जाता है तो फिर उसका फायदा खत्म हो जाता है बस. जी जी. तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखना है, हाथ धोने की या सैनिटाइज करने की डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवल ऑफ एक्सपोजर कितना है, आप घर में कितना है बाहर कितना है और आपने कौन कौन से सर्फेसिस को टच किया है जो थोड़े से चैलेंज्ड है. पॉइंट नंबर 2 मॉइस्चराइजिंग, फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइजिंग ऑलवेज हेल्प्स. तो मॉइस्चराइजिंग के लिए आपने सबसे जो बेस्ट ऑप्शन बताया है वो है वैसलीन या पेट्रोलियम जेली. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज माइंडफुलनेस. दैट पैनिक में एंग्जाइटी में आके हर आधे घंटे में कुछ ओसीडी सा बिहेवियर करके बार बार हाथ धोने की बजाय शायद राइट माइंडफुलनेस से ये चीज कंट्रोल की जा सकती है हाउस होल्ड लेवल पे. थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक मोहना. मैं आपसे कुछ और स्किन इश्यूज के लिए जल्दी कनेक्ट करूंगी. थैंक यू फॉर इनसाइटफुल व्यूज एंड टेक केयर. Thank you, Aditi, to interact with you today on a very sensitive issue. Yeah. Thank you so much. Bye-bye. Thank you very much. Thank you.